कर्नाटक के लिए आज बीजेपी करेगी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या दिया है बड़ा बयान। गहलोत और पायलट के बीच किस बात पर ठन गई है। डिग्री को लेकर दिल्ली के एलजी ने क्या कहा। देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए भारत वर्ष टॉप नाइन। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बताया जाता है कि ज्यादातर सीटिंग एमएलए को टिकट मिलेगा। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई अपनी मौजूदा सीट शेगांव से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस ने बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ पर हुई बैठक में खड़गे के अलावा राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और मोहन प्रकाश मौजूद थे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम और राज्य में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के बारे में गलत धारणाएं और गलत जानकारी दी जा रही है, ताकि उसे विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके। संघ प्रमुख ने कहा कि अगले 20 से 30 सालों में भारत विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें 2-3 पीढ़ियां तैयार करनी होंगी। राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। गहलोत के खिलाफ एक दिन का उपवास रखने का ऐलान भी किया। पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। डिग्री को लेकर दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच दंगल जारी है। बिना नाम लिए एलजी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आईआईटी से डिग्री लेने के बाद भी कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं। आपने पलटवार करते हुए कहा कि अफसर पढ़ा लिखा चाहिए तो सीएम पीएम क्यों नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अडानी ट्वीट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दल बदलू और अरबपति गौतम अडानी के नामों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के 5 पूर्व नेताओं को भी अडानी से जोड़ा था। सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। ऑपरेशन के दौरान 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घुसपैठियों के पास से 17 किलो हीरोइन बरामद की गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 699 मामले आए। कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण दर 21.15% तक पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना के कुल 2460 एक्टिव मामले हैं। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। देश के कई राज्यों में पॉजिटिविटी रेट में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का फैसला किया। केंद्र ने सभी राज्यों से 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने को कहा है।